नमस्ते, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप। 15 अगस्त 2018 पूरा देश 72वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था। देश के स्कूल, कॉलेजों और मदरसों में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में एक मदरसे में भी तिरंगा फहराया गया। ये मदरसा है मदरसा अरबिया अहले सुन्नत अनवारे तैबा गर्ल्स कॉलेज, जो कोल्हऊ इलाके में है। यहाँ भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और झंडा फहराया गया। लेकिन झंडा फहराने के बाद जब राष्ट्रगान की बारी आई तो मदरसे में मौजूद मौलाना ने इस्लाम की दुहाई देते हुए वहाँ मौजूद टीचर और बच्चों को राष्ट्रगान गाने से रोक दिया। वहाँ मौजूद कुछ लोगों ने मौलाना से कहा कि वो उनसे दीन इस्लाम की बात ना करें, वो लोग राष्ट्रगान गाएंगे। कॉलेज में मौजूद टीचर लगातार मौलाना का विरोध करते रहे, लेकिन मौलाना की वजह से कुछ देर तक राष्ट्रगान नहीं हो सका। मौलाना बार बार राष्ट्रगान गाने के बजाय सारे जहां से अच्छा गाने पर जोर देता रहा, लेकिन मौजूद टीचर और बच्चे लगातार विरोध करते रहे। ये देखिए इस मामले का वीडियो। मौलाना ने विरोध किया, फिर पुलिस ने अपना काम किया, लेकिन सोशल मीडिया पर यह वीडियो चलने के बाद ट्रोलर्स को बैठे बिठाए मुस्लिमों की आलोचना का एक मुद्दा मिल गया। पुलिस ने मौलाना और उसके साथियों को अरेस्ट करके सोशल मीडिया के ट्रोलर्स को तो रोक लिया, लेकिन ऐसे मौलाना और गैर वाजिब वजहों से राष्ट्रगान का विरोध करने वालों को कौन रोकेगा? जब भी देश में ऐसा कोई बड़ा मौका होता है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक बेवकूफ़ ऐसी गलती कर देता है और ट्रोलर्स को एक पूरे मजहब, एक पूरी बिरादरी को बदनाम करने का मौका मिल जाता है। इस मौलाना का नाम मोहम्मद जुनैद अंसारी है। इसने भी यही बेवकूफ़ी की। उसने खुद अपने हाथ से झंडा फहराया, फिर कहने लगा कि ना तो वो राष्ट्रगान गाएगा और ना किसी और को गाने देगा। इसके लिए उसने वजह भी गिनाई तो इस्लाम, लेकिन इस्लाम तो कभी राष्ट्रगान गाने से नहीं रोकता। झंडा फहराने के बाद राष्ट्रगान गाने से कौन सा इस्लाम रोकता है? खुद मौलाना को भी नहीं पता है, लेकिन जब आप इस्लाम और राष्ट्रगान की अपने हिसाब से व्याख्या करने लगते हैं तब यही होता है। और यही वजह थी कि वहां मौजूद लोगों ने कहा भी कि आप हमें दीन और इस्लाम के बारे में ना बताइए, लेकिन ये साहब अपनी जिद पर अड़े रहे। नतीजा ये हुआ कि ये खुद सलाखों के पीछे हैं और वहां सोशल मीडिया पर एक पूरी बिरादरी गरियाई जा रही है। थोड़ा सोच समझ कर, थोड़ा देखभाल कर भारत है, बना रहने दीजिए। हमारा ये वीडियो अगर आपने फेसबुक पर देखा तो पेज लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देखा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अब आप प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। शुक्रिया।